हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली चना और आलू की सब्जी। बहुत ही झटपट बनाएंगे। और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं हम काबुली चने और आलू की सब्जी। उसके लिए हमने एक कटोरी काबुली चने ले लिए हैं, जो कि मैंने गला लिए थे, रात में भिगो दिए थे और बॉईल कर लिए इनको मैंने। और ये आलू हैं, आलू भी मेरे बॉईल हैं, बॉईल मेरे दो हैं, इनको मैंने चॉप करके रख लिए हैं। और ये मेरी प्यूरी है, प्यूरी मैंने दो टमाटर, दो प्याज, दो हरी मिर्ची और अदरक और दो लहसुन की गांठें ली हैं। इनको सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है इसमें। चलिए बनाते हैं काबुली चने आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी आप सभी को। उसके लिए हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा सा। काबुली चने आलू की सब्जी हमारे घर में रहते ही हैं, तो जो घर में हमारा सामान रहता है हम उसी सामान से बनाएंगे। हमने जीरा डाल दिया है, जीरा कड़क चुका है अपना, इसमें हमने अब पेस्ट डाल दिया है जो हमने प्यूरी बना के रखी थी। टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्ची और अदरक की, इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें मसाले डाल लेंगे। पहले एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे और आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और इसको हम मिला लेंगे और बढ़िया से मसाले को हम पकने देंगे। जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे, तब तक हम मसाले को पकाएंगे। जब तक कि मसाला अच्छा नहीं पकता, तब तक हमारी सब्जी भी बढ़िया नहीं बनती है। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, आपको भी दिख ही रहा होगा। मसाले को भून चुका है अच्छी तरीके से, हमने भून लिया है। अब इसमें हम काबुली चने डाल देंगे और बॉयल करे हुए आलू डाल देंगे। अब सभी को अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। पहले हम इसी तरीके से अच्छे से चला लेंगे उसको, जो मसाला है हमारे चने में और आलूओं में बढ़िया सा बैठ जाए इसमें। तो अच्छी तरीके से चला लेंगे हम। बहुत ही इजी सब्जी है, घर में हमारे ये सामान रहता ही है, इसको हम बना सकते हैं इससे। ये नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा से कुछ बाहर लाना है और बनाना है। इसको मिला लेंगे। ये देखिए, हमने सूखी सब्जी को पहले अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हमने देखिए सब्जी को अच्छे से मिला के इसमें पानी ऐड किया है। सब्जी तभी अच्छी बनती है जब पहले हम सब्जी को अच्छे से मिला लें, भून लें, फिर पानी डालें। अब ये देखिए सब्जी में खदक आ चुकी है। अब सब्जी को हम कम से कम 5-6 मिनट तक खदकाएंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है खदकने से। ये देखिए हमारी सब्जी खदक चुकी है, आप भी देख रहे होंगे मैंने सब्जी को कितना खदकाया है। और इसमें धनिया ऐड कर दूंगी मैं बारीक कटा हुआ। बढ़िया सब्जी, छोले और आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। बढ़िया गरम गरम मज़ा लीजिए चने आलू की सब्जी का। इसको पूड़ी से, भटूरे से, पराठे से, रोटी से, पुलाव से, किसी से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरे ये काबुली चने और आलू की सब्जी का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।